जी हमने किसे अक्सर लोगों ने तकरीबन किसे डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्सेज है वो सारी चीज़ें तकरीबन तकरीबन इसमें ऊपर के ये जो आठ आठ नौ चीज़ें हो चुका है लगभग। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का इसमें तीन चार चीज़ें थी, फेसबुक, ट्विटर। Calling all marketers. Discover a treasure trove of free guides and software to supercharge your digital marketing prowess. Click the links in the video description below to unlock expert resources for increasing conversions, maximizing ROI, and more. Click now and revolutionize your marketing strategy. और इस तरह से YouTube का था, तो Facebook का मैंने तो आपको already मैंने बता दिया था, Twitter का भी हो गया था, और थोड़ा बहुत इसमें explain अगर आप करना है तो वो last में मैं आपको बता दूंगा। अब YouTube का चल रहा था, YouTube का ये तीसरा वीडियो होगा आज और ये लास्ट होगा, क्योंकि YouTube मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आज के डेट में डिमांड है, इसलिए YouTube पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। तो आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम वीडियो के जो थंब हैं वो थंब बनाएंगे, और क्योंकि थंब बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे सपोज के आपको मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ कि जो अच्छे अच्छे थंब होते हैं ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा व्यू होता है। अच्छा, थंब आप इस तरीके से बनाएं कि आपको ऐसा लगे कि वो थंब जो बिल्कुल क्लियरिटी है। जैसे अभी मैं यहाँ सर्च करता हूँ हाउ टू मैक, मतलब लोगों का देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग जो है थंब बनाते हैं और किस तरीके से किया जाता है नहीं किया जाता वो देखते हूँ। तो मैं यहाँ पे हाउ टू मैक वेबसाइट मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप में से कोई कॉल कर रहे हैं क्या? सर मैंने किया। अच्छा एक मिनट, आप क्या हाँ अब आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलिए ठीक, अब इसके बाद से जो क्लास हम लेंगे ना आज के बाद से हम डायरेक्ट यूट्यूब में ऑनलाइन लेंगे, इसमें स्काइप से हम क्लास नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से होता है हाउ टू मैक वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट से मैक कहने का रीज़न है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है कि हाउ टू मैक अ वेबसाइट, जो इनका हेडिंग का नाम है ये वही चीज़ अपने थंब में इन्होंने यूज़ किया है, ठीक। और दूसरी बात देखिए जो क्लियरिटी है, विजुअलिटी है, जो देख दिखने में जो आ रहा है बिल्कुल साफ सुथरी है, किसमें क्या चीज़ें दी गई है नहीं की गई है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। यही वजह है कि इसके वजह से इसमें जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा है, 7.6 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं। तो ये आप थंब जो जितना बेटर रखेंगे, अच्छा रखेंगे, उससे ज़्यादा व्यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है, ठीक है। अभी ये मेरे केस में ये वीडियो, अभी मेरा जो वीडियो था वो अभी इसी इस सर्च के नाम इस कीवर्ड से बहुत नीचे आ रहा है। नीचे इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको कुछ चेंजेस किया था जिसकी वजह से ये नीचे आ गया, नहीं तो ये भी तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो चेंजेस करने की वजह से ये नीचे आ गया। तो इसलिए कोशिश आप ये कीजिए कि जब फर्स्ट टाइम जब आप उसमें लगा दीजिए थंब वगैरह लगा दीजिए या फिर क्या नाम है कीवर्ड वगैरह सेटअप कर दीजिए, तो फर्स्ट टाइम ही बेटर रहता है। उसके बाद आप चेंज अगर करना चाहते हो थंब आप चेंज कभी मत कीजिए, अगर आप रैंकिंग में रखना चाह रहे हो तो। लेकिन जब आपको वो वीडियो जब 6 महीने का हो जाए या फिर 5 महीने का हो जाए तब जाके आप उसका थंब जो यूज चेंज कर सकते हैं, उसमें फिर आप कुछ नए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो शुरू शुरू में कम से कम उसको जो है जब तक आपके व्यूज़ जो है 5,000, 6,000, 10,000 ये मिलियन का सर व्यूज़ नहीं हो जाते तब तक तो उसको मत रखा कीजिए, चेंज मत किया कीजिए, ठीक है। ये तो एक थंब की बात है। तो अब ये लेकिन इस तरह के थंब आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसका इस तरह का थंब जो है ना आप इजीली जो है आप अपने एक पावर पॉइंट होता है आपके सॉफ्ट इसमें मैक विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है पावर पॉइंट, आप वहां से पावर पॉइंट से आप इजीली यहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर पॉइंट 16 वाला वर्जन है तो 16 वाले वर्जन पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे उसके फीचर मिल जाते हैं, तो आप वहां से आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपका ये आ गया टैक्स आ गया, जो टैक्स आपको लिखना है एक्स वाई जेड कुछ भी टैक्स लिखना है, सपोज कि मैंने के जो ये टैक्स बनाया इसी को मैं ले लेता हूँ कि पावर पॉइंट से आपको काम करना बड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका टैक्स ले लिया।
अच्छा, अगर आप ये टैक्स खुद से कस्टम करना चाह रहे हैं, इनके टैक्स नहीं लेना चाह रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इनको आप डिलीट कर दीजिए, इनको यहाँ से आपका सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। उसके बाद खुद से कस्टम अगर टैक्स अगर लिखना चाहेंगे तो भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसमें से कोई सा भी आप फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस से मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप वो ड्रैग कीजिए और आप बस फिर आप जो टैक्स है उस टैक्स को लिख दीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आइए होम पे, या फिर ऐसे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है। फिर आप टैक्स को बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इस टैक्स को कितना अच्छे से विजुअल कराएं। तो विजुअल जितना आप इसको बड़ा करके रखेंगे उतना ज़्यादा विजुअल होगा। बट अगर टैक्स की अगर देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स जो है सही नहीं दिख रहा है, पूरा अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आपको अगर सही करना हो तो आप इस तरह से भी यहाँ पे ये चीज़ें इजीली कर सकते हैं। अब इस टैक्स का फॉन्ट की बात है तो फॉन्ट आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग टूल के नाम से, तो ड्रैग टूल किस पर आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टी फॉन्ट मिल जाएगा आपको। देख रहे हैं कितना अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको फॉन्ट है, बस आप सिर्फ क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे फॉन्ट है यहाँ पे, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दूसरे जगह से फॉन्ट चेंज करना, यहाँ से एक तो कर सकते हैं, और यहाँ से सबसे ज्यादा बेटर होता है। बट इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से भी आप इसका जो फॉन्ट है आप फॉन्ट चेंज करके देखना चाहें देख सकते हैं। बट वो जो मैंने यहाँ से जो करके दिखाया था, ये आपके 3D थंब होते हैं और 3D थंब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब रही बात ये कि ये जो आपने बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता है, तो आप ब्लैक में आप चाह रहे हैं कि ये व्हाइट रहे तो बहुत जमेगा। तो इसलिए क्या करें, आप यहाँ पे आइए और आने के बाद इसके जो ट्रांसपेरेंट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा खूबसूरत से लग रहा है। ठीक है, हाउ टू मेक वेबसाइट देखने में ठीक लग रहा। अब आप अपना फोटो लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे फोटो लगा दीजिए, क्योंकि फोटो इंसान जो है इंसान से कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करता है, तो फोटो से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाता है। बट अगर आप फोटो लगाना नहीं चाहते तो आप चाहें कि कोई वेबसाइट से रिलेटेड हमें वो बनाना है, इमेज ले लेनी है, इमेज लगा देनी है, तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। आपको मैंने इमेज के लिए मैंने कई मरतबा बताया था pixabay.com, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे इमेज आपको मिल जाएंगे, HD क्वालिटी के इमेज मिलेगा, और ये सारी इमेजेस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे ये एक वीडियोस है, जैसे कोई अपने फुटेज में जो बच्चों के जो कार्टून वगैरह बनाता है तो वो वीडियो कहाँ से लेकर आता है, यही सब वीडियोस है, ये सब फुटेज है, इसको फुटेज वीडियो कहते हैं। ये सब फुटेज वीडियो आप भी डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब के इस पे वीडियोस में यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव करने के लिए। ठीक, जैसे आप इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें इस तरह का अगर बैकग्राउंड बनाना चाहें आप इसको भी बना सकते हैं बैकग्राउंड, और लेकिन ये बैकग्राउंड बनाने के लिए एनिमेशन टाइप की चीज़ें हैं, ये वीडियो में आप यूज करें तो अच्छा है। ये आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे या ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे चाहिए इमेजेस चाहिए, तो आप इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप कि जो भी रिलेटेड इमेजेस है, जिस टाइप की भी इमेजेस है, आप उसका नाम लिखिए और नाम लिख के यहाँ पे सर्च कीजिए। कुछ इमेजेस यहाँ पे पेड है और कुछ इमेजेस जो शटर का है, शटर स्टॉक का है, इसके इमेजेस सारे पेड होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से इनकी जो खुद की है, ये पिक्सबे का जो है इनका खुद के जो इमेजेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। खैर यहाँ पे इमेजेस ये आ गए, ये सब इमेजेस आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। बट ये हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, तो हमारे काम से रिलेटेड मैं ये सब मैक वेबसाइट, तो आप देखें इस तरह का ये आ गया, ये आपका थम आ गया। तो यहाँ से भी आप थम ले सकते हैं, थम लेकर के कस्टम कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ से थम लेंगे तो या फिर इमेजेस लेंगे, ये इमेज बिल्कुल जो PNG में है। ठीक है, आप इस इमेज को फ्री पे डाउनलोड डाउनलोड फ्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, मेरे केस में अभी हो कि नहीं रहा, मैं भी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर लिया है, इसलिए वो साइन अप मांग रहा है। हाँ हो गया, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी देखिए, ये है, ये वेबसाइट बनाने का एक आइकन है, बड़ा अच्छा आइकन है वेबसाइट का, बट ये पेड है, तो पेड है तो इसको आप कट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक ठाक है। खैर मैं जो बता रहा था वो ये कि अब इस इमेज को मैंने ये कर लिया, यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब ये इमेज मैं पावर पॉइंट में इसमें यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, या फिर इसमें ड्रैग भी करके ला सकते हैं आप, ड्रैग करके आप यहाँ पे पावर पॉइंट पे ला सकते हैं। ये आ गया आपके पावर पॉइंट पे।
अब आप इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, आपका जो टैक्स था उस टैक्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जहाँ से भी चाहें जिस तरह चाहें आप उसको सेट करता कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और उसके बाद पहले मैं इस इमेज को सेट कर लेता हूँ। इसमें एक खास बात यह है कि आप किधर भी चाहें, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी चाहेंगे, आप बिल्कुल इजीली जो है इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैक वेबसाइट, आप कोई से भी टेक्स्ट लिखेंगे, उर्दू हिंदू अरबी एक सारे टेक्स्ट इसमें चलता है, पावर पॉइंट में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपको लोगो लगाना, लोगो आप यहाँ पे लगा दीजिए तो आप इजीली आप यहाँ से बना सकते हैं। इस इमेज को आप क्या कीजिए, सेव कीजिए और सेव आपका इसमें पीएनजी में भी कर सकते हैं और जेपीजी में भी कर सकते हैं। तो आप जेपीजी में कर लीजिए, बेटर है। इसमें आप अपना फाइल का नाम डालिए और फाइल का नाम डाल के यहाँ से आप चूज कीजिए पीएनजी या फिर जेपीजी, आप जिस पर भी क्लिक इस पर क्लिक करना चाहेंगे उसके बाद उस पर क्लिक कीजिएगा। हाँ, आपको अगर मल्टी स्लाइडेड है तो मल्टी स्लाइडेड में अगर आपको सब करना है तो आप ऑल स्लाइडर कर सकते हैं, बट आपको एक ही इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट दिस ऑन पे क्लिक करके आप उसको वो कर लीजिए, इमेज बना लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि वो इमेज ऑलरेडी बन चुका है। मेरे केस में यहाँ पे अभी मैं देख लेता हूँ वो इमेज कहाँ पे बना हुआ है। तो मैंने जो सेव किया था वो यहाँ पे सेव किया था, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी कितना अच्छा लग रहा है ना आपको, ये थंब हो गया कितना अच्छा लुक एंड फील, कितना जबरदस्त लग रहा है। तो इस तरह के थंब भी अगर आप चाहें तो यहां से बना सकते हैं, पावर पॉइंट से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं थंब, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, इसके जो मैंने बताया कि आप पिक्साबे जो वह है साइट है, ये साइट पिक्साबे के नाम से साइट है, इस साइट पर जाइए, अपने काम से रिलेटेड जो भी इमेजेस है उस इमेज को आप लीजिए और लेने के बाद आप उसको पेंट में जाके, जैसे कि मैं ये एक इमेज ये ले लेता हूँ, ये अच्छा ये पेड है, तो ये पेड है इसलिए नहीं लेगा, ये देखता हूँ हाँ ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस भी पेड हैं, ये भी पेड हैं। अच्छा ये इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं, ये इमेजेस देखता हूँ कैसा है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि आपके में कौन सी इमेजेस आपके लिए बेटर है। मैं एक सैंपल के लिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके आप इसको नॉर्मली जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पेंट पे जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप है तो बहुत अच्छा है, उसमें कस्टम आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट में जाके यहाँ पे टैक्स वगैरह डाल देंगे, ये टैक्स लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी टैक्स लिखेंगे, उसका जो भी साइज करना है वो साइज कर लेंगे, साइज करके यहाँ से आप बना सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप है, फोटोशॉप से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बट आपके पास इन सारी चीज़ें नहीं है, फोटोशॉप भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या नाम है, तो इमेजेस भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, बेटर है कि आप कैनवा के नाम से था, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था चैनल आर्ट बनाते टाइम, आप canva.com पे जाइए और canva.com पे जाके वहाँ पे आप इजीली जो है ड्रैग ड्रॉप करके वहीं से आप थंब बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैनल आर्ट के बारे में जब वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ से इजीली आप थंब बना सकते हैं। आप इसको साइन इन कर लीजिए, साइन इन करके थंब बनाइए, थंब जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, खैर ये तो एक बात हो गई कि थंब की, अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको यूट्यूब में लाइव आना हो तो लाइव आने के सिस्टम बहुत सारे हैं। मैं आज एक चैनल है, इस चैनल पर मैं लाइव आके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं लाइव आना चाहूँगा तो इसमें गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल वाला, इसमें सिंपल का जो तरीका है, मैं गो लाइव पे क्लिक किया और यहाँ पे लाइव आने के तीन चार तरह के ऑप्शन आ गए। एक तो ये स्ट्रीम है और दूसरा क्या है, वेब कैम है, मतलब आप अपना वेब कैम से करना चाहे कर सकते हैं, या फिर तीसरा है कि स्ट्रीम नाउ क्लासिक। अगर आप लेक्चर वगैरह देते हैं या फिर लॉन्ग टर्म की आपके पास लाइव होता है तो इसके लिए आप ये बेटर है। और आप अगर चाहते हैं कि आप स्ट्रीम का करें, स्ट्रीम मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करें,
तो इसके लिए आप ये बेटर है। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट अपने कैमरे के जरिए से लाइव होंगे तो वेबकैम के ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कल आना चाहते हैं, परसों आना चाहते हैं, इवेंट करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लोगों को पहले बताना चाहते हैं कि जब मैं ये फला दिन लाइव आऊँगा, तो लोग भी जो है आपके चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप इवेंट पे क्लिक करके आप इवेंट सेट करेंगे और सेट करके लाइव का जो ऑप्शन आएगा, आप उनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इवेंट का भी चीज़ें बना सकते हैं। खैर, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी मेरी ये क्लासिकल लाइव वाला है, वो क्लासिकल लाइव वाला या स्ट्रीम वाला, स्ट्रीम वाला मैं दोनों में से कोई एक चीज दिखाना चाहूंगा, दिखा सकता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम जो मैं लास्ट टाइम जो मैंने लाइव आया था, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो लाइव आया था उसको वो दिखा रहा है कि लास्ट टाइम लाइव कब आया गया था, यहाँ पे दिखा रहा है। इसको अगर हम कॉपी करना चाहिए, इसके सारे टाइटल कॉपी करना कर सकते हैं, बट हमें ये सब चीज़ें कॉपी नहीं करनी है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करनी है, इसको न्यू स्ट्रीम पे क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एक URL डालेंगे, जो नहीं सॉरी इसमें टाइटल डालेंगे, जो जो टाइटल है, और उसके बाद आप लाइव आएंगे तो उसके जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे डालना चाह रहे हैं, उसके किस चीज़ के बारे में लाइव आना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। और उसका यहाँ पे आप थंब अपलोड कर दीजिए। हाँ, ये चेंज मत कीजिए, आपके चैनल पे जो ये ऑटोमेटिकली होता है, आप एक मतलब सेट करते हैं शुरू में, वो ऑटोमेटिकली रहता है जो किस टाइप के चैनल है, तो वो चैनल चेंज मत कीजिए उसको। आप यहाँ पे थंब अपलोड करेंगे और अपलोड करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो लाइव आ सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस जो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म करना हो, 8 घंटे 9 घंटे में करना, या फिर मोस्टली चैनल जो लाइव आता रहता है 24 आवर लाइव रहता है, जैसे कि आप बात कर लें कि न्यूज़ चैनल की, या बात कर लें कुछ कार्टून की, कार्टून वाले जो वीडियोस होते हैं, चैनल होते हैं जो लाइव रहता है, तो वो उस तरह के अगर लाइव रहना है, जैसे ये वाले हैं, ये लोग जो लाइव रहते हैं तो ये लोग कहाँ से रहते हैं, किस तरह से रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला हूँ। ये लोग यहीं से रहता है, मोस्टली यहीं से रहता है। इसको एक मतलब सेटअप करना होता है, सेटअप कर दे, और ये ऑटोमेटिकली क्यू होता है, यहाँ पे क्यू होता है, इस क्यू को यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बातें तो हो गई जानने की, जब ये इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं और करेंगे। तो इसके लिए मैं चैनल चूज कर लेता हूँ, यही वही चैनल चूज कर लेता हूँ, जो चैनल आपको आपको मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ आपके लिए, मैं वही चैनल चूज कर लेता हूँ। ये मैं एक नया चैनल चूज कर लिया है। अब अगर यहाँ पे चैनल इस पे अगर आप करना चाहेंगे, लाइव आना चाहेंगे, तो आप किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पे लाइव? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लाइव पे क्लिक कीजिए। जैसे ये बंदा अभी लाइव है, इस टाइम अभी ये लाइव है, ठीक है, और लाइव पे भी चैटिंग चल रहा है। तो इस तरह की चैटिंग कैसे करेंगे, तो मैं ये यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी डायरेक्ट लाइव पे आ जाता हूँ और गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। और गो लाइव पे क्लिक करने के बाद सारी चीज़ सेटअप करूँगा अभी आपको आपके लिए। तो लाइव आने के यहाँ पे कई तरीके हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं लाइव आने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो मैनुअली आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube के थ्रू करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट YouTube के थ्रू करना चाहेंगे, वेबकैम से करेंगे तो यहाँ से वेबकैम से हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू करा जाए, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से होता है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, ये इसका इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे, कि इसका यह अभी थंब डाला हुआ है, ये थंब जो वही है जो चैनल का URL, चैनल आर्ट है, ये चैनल आर्ट है। ठीक है, ये अभी ऑफलाइन है। आप लाइव आना चाह रहे हैं तो गो टू लाइव कंट्रोल पे मैं एक मतलब क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, ये तो फिर दोबारा वापस पहुँचा दिए यहीं पे। तो यहाँ पे लाइव आने के लिए आपको जो आज मैं सॉफ्टवेयर जो दिखाने वाला हूँ आपको, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ये सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो के नाम से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आप इसके और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप जान सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लीजिए यूट्यूब लाइव के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब लाइव पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और सर ये तो डायरेक्ट वहाँ पे लेकर चैनल पे लेकर आ गया, चैनल पे लेकर आ गया यहाँ पे यूट्यूब लाइव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये है एम्बेड कोड सपोर्ट।
अच्छा, ये इन्होंने दिखाया जी यूट्यूब में लाइव, अब कब आ सकते हैं, तो उसका पूरा 1,000 सब्सक्राइबर वो सब दिखाया है। वेरीफाई स्ट्रीम नाउ इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। खैर ये इन सब चीज़ों को मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, मैं पहले बात बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ से आप लाइव आ सकते हैं, उसका मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक लाइव सेटअप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल टेक्नोलॉजी लाइव, ठीक। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ हाय, नाउ आई स्टार्ट। जो भी आप लिखना चाहते हैं आपके द्वारा पूरा लिखिए इसमें, जो भी लिखना चाहते हैं लाइव का उस पर आप लिखिए। लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब क्लास, ठीक है। ये आप मैं पूरा डिटेल लिख दीजिए अपने बारे में, बेटर रहेगा जो भी आप करना चाहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक थंब चूज करना है, तो थंब जो मैंने अभी आप क्रिएट किया था तो वही थंब मैं ले लेता हूँ। कोई नहीं, मैं यही थंब ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जैसे कि मैंने अभी ये थंब ले लिया है और ये अभी सेटअप हो रहा है, उसका यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो जहाँ जब तक ये आ रहा है तब तक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ओबीएस सॉफ्टवेयर को। ये ओबीएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, मैं इसका नीचे वीडियो के नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आपको शेयर भी कर दूंगा इसका ओबीएस सॉफ्टवेयर। आप चाहें तो गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ओबीएस सॉफ्टवेयर लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये सब मैं लास्ट टाइम आया था, तो आपके केस में बिल्कुल ब्लैंक होगा, तो मैं भी इसको ब्लैंक कर देता हूँ, सबको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। जो मैं लास्ट टाइम जो सब आया था लाइव आया था तो सब दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं अभी सारी चीजों को मैं ब्लैंक कर दिया, टोटल सबको मैं ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ये अब सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पे लाइव आएंगे तो लाइव के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें इसमें लाइव में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज है, डेस्कटॉप है, ब्राउज है, वेब है। मतलब ब्राउज की जैसे आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करते हैं तो वो भी अगर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, इसको सेटिंग कर लेता हूँ। मैं सेटिंग पे चलता हूँ और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल का, जनरल के इसमें वो सारे वीडियो के सेटअप किए, तो आप इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब बात आ जाती है स्ट्रीम की, यहाँ पे वो की डालनी पड़ती है, ये जो की है आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है अगर आप शो करना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी हाइड कर देता हूँ। और ये की आप किसी को शेयर मत कीजिए, किसी थर्ड पार्टी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई बंदे किसी बंदे को अगर ये की मिल जाए तो आपके चैनल को वो हैक भी कर सकता है या फिर आपके चैनल पे वो लाइव भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये की शेयर मत कीजिए, किसी को भी शेयर मत कीजिए, ठीक। तो खैर ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये यहाँ पे मैं इस की को मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद इस पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस पे जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये अभी कनेक्ट हो गया हमारे इस चैनल के साथ, ये कनेक्ट हो चुका ऑलरेडी, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी ये दिख रहा है ऑफलाइन है, ठीक। अभी कुछ देर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ करूंगा उस आदि से बिल्कुल इजिली देख सकते हैं। ये अभी आ गया। अब आपको अगर स्क्रीन में शेयर करना हो, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर शेयर करना है तो आप ये देख सकते हैं, उस स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर करना, ऑडियो शेयर करना, वीडियो शेयर करना, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज आप शेयर करना चाह रहे हैं, सपोज कि मेरे केस में अभी एक थंब था, एक थंब मैं डाल देता हूँ सबसे पहले, ताकि जब मैं स्ट्रीम आऊँ, लाइव स्ट्रीम आऊँ तो बेटर रहेगा। आप थंब के बारे में जो भी नाम लिखा है उसको आप लिख दीजिए, उसका यहाँ पे लिख दीजिए वेबसाइट ऑफर, ये थंब डाल दिए, इस पे एक नाम डाल दिए। अब मैं यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं ऑफर इस पे या वेबसाइट के नाम से जो मैंने अभी उस पे दिया था, थंब पे दिया था, वही चीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मे बी ठीक है, ये है, तो ये बिल्कुल फिट है। अब इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको बराबर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन के बराबर कर सकते हैं। आपके यहाँ ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है,
आप अपने हिसाब से इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया इस टाइप से। अब इस एरिया में कुछ लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं, या इसके ऊपर कुछ डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं। ठीक, या फिर आप इसको फुल करना चाह रहे हैं आप इसको फुल कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली फुल कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे केस में अभी ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस तरह से फुल रहें। देखिए यहाँ पे अब मैं जो चीज़ें मैं ऑफर करना चाह रहा हूँ या कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ लेक्चर देना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट वहाँ पर दिख जाएगा, चैनल पर दिखेगा। ठीक है, अब ये जब सेट हो जाए उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट स्ट्रीम, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टार्ट मोड, स्टूडियो मोड। अगर आप डायरेक्ट लाइव आना चाहें तो इस पे क्लिक कर देंगे, बट अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लाइव आ रहा हूँ, लाइव आने के साथ साथ वो वीडियो रिकॉर्ड भी करूँ, तो आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसको स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक कीजिए। ठीक, अच्छा एक खास बात और है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि आप जब YouTube में लाइव स्ट्रीम आएंगे, आपने कभी अगर मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किया लाइव स्ट्रीम के लिए, तो आपको सबसे पहले मोबाइल का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन देता है YouTube वाले। ठीक है, तो मेरे कैसे मैंने पहले का वेरिफिकेशन कर रखा था, इसलिए वो चीज़ नहीं दिखा था आप लोगों को। ठीक, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, लाइव स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट लाइव नाउ। अब जैसे ही मैंने वहाँ उस पर क्लिक किया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें बिल्कुल इजीली जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लाइव का। ठीक है, अगर आप किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो ये वाला यूआरएल आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आ चुका है ऑलरेडी। आप जो भी आप सुनना चाहें, देखना चाहें, या फिर किसी को शेयर करना चाहें, जो चैनल पर भी बंदा जा सकता है देख सकता है, या फिर आप अपने ये यूआरएल इसको शेयर करेंगे तो देख सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा अगर कुछ सवाल कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो वो यहाँ से पूछ सकता है। जैसे अभी मैं दूसरे ब्राउज़र में ले लेता हूँ इस लाइव स्ट्रीम को, मैं इस ब्राउज़र पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ सवाल करता हूँ, और इसका अगर मुझे जवाब देना हो या फिर कोई कुछ पूछना हो, कुछ चैट करना हो, तो वो चीज़ हम ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये चैनल आ गया यहाँ पे, मैं अच्छा ये साइन इन मांग रहा, तो इसके लिए कुछ पूछना उछना है तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर कोई नहीं, मैं साइन इन नहीं करूंगा अभी, इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा, सेम अगर इसी तरह के आप देखेंगे यहाँ पे ये एक वीडियो ऑलरेडी चल रहा है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, बट इसमें कोई साउंड मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहा होगा। आप अगर साउंड चाह रहे हैं तो आप यहाँ से साउंड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑडियो की कैप्चर है, आपका माइक्रोफोन है, आप माइक्रोफोन की आवाज़ लेना चाहते हैं, तो आप माइक्रोफोन की आवाज़ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शेयर आप यहां से कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर पर कर देता हूं और मैं देखता हूं कि मैं जो चीज़ स्क्रीन में कर रहा हूं वही चीज़ सेम टू सेम यहां पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दिया ऑलरेडी, तो मैं अभी जो भी स्क्रीन जिस जगह पे हूँ यहाँ पे अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप ये चीज़ मोबाइल में भी देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं कर रहा हूँ ये टोटल चीज़ें वहाँ पे यूट्यूब में दिख रहा है। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश थोड़ा सा कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे ना, अभी मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें यहाँ पे आने लगा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आवाज भी इतनी क्लियरिटी इतनी नहीं हो पा, मतलब एट ए टाइम नहीं हो पा, थोड़ा सा जो है डिले रहता है। जैसे ये देखे यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये। ठीक, तो जो भी जैसा भी करेंगे वो चीज़ आपको इजीली वहाँ पे भी दिखेगा और वहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेटअप कीजिए, सेटअप करके अपना ये चैनल को स्ट्रीम करना चाहेंगे कर सकते हैं। आप इसमें साउंड भी रखना चाहे रख सकते हैं, आप अपना जो साउंड रहा है माइक्रोफोन के साउंड है, आप माइक्रोफोन के साउंड लेने के लिए आप यहाँ से आप अपना ऑडियो कैप्चर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ साउंड है जो मैंने अभी जो मेरे पास डेस्कटॉप के ऑडियो है, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप के ऑडियो, अगर मैं डेस्कटॉप के ऑडियो में इस पर क्लिक करूँ तो मेरे जो डेस्कटॉप में ऑडियो चल रहे होते हैं या फिर जो मैं बोल रहा होता हूँ अभी इस टाइम जो बोल रहा होता हूँ वो डेस्कटॉप का ऑडियो कैप्चर कर लेगा। पर डेस्कटॉप का ऑडियो अगर नहीं चाहिए, सूसा ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपके यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन है इसको आप ऑन कर लीजिए। अभी जो मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि वो रन होना शुरू हो चुका है, तो ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब में ऑलरेडी दिख रहा होगा, आवाज़ के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूट्यूब में क्या उसके आवाज़ वगैरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं
आप लाइव आएंगे तो इसके लिए सारे बेनिफिट है। आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कोई साउंड आप लगाना चाह रहे हैं, कोई म्यूजिक लगाना चाह रहे हैं, तो आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं यहाँ से, आप लेके म्यूजिक भी लगा सकते हैं। कोई वीडियो चलाना चाह रहे हैं आप, कोई सपोज कि आप लाइव हैं, लाइव में का एक ही वीडियो को मल्टी टाइम चलाना चाह रहे हैं, तो आप मल्टी टाइम भी चला सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर दिखा देता हूँ, ये वाली है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को मैं चलाना चाहता हूँ, लाइव चलाना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि ये लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसको बार बार देखना है। अगर मतलब ये खत्म ना हो, अपने चैनल पे चलता रहे, तो आप इस पे लूप का जो ऑप्शन है, इस लूप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो वो वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगा, जितने मिनट का है उस मिनट खत्म होने का, तो फिर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसको एक मतलब क्लिक कर देता हूँ, और ये आपका वो वीडियो आ चुका है, यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। वीडियो को मैं इसको सेटअप कर देता हूँ, यहाँ पे इसको अच्छे से सेटअप कर देता हूँ। अब ये वीडियो मेरा चलना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे चीजें दिख रहा है जो मैंने अभी चलाया था, जो मैंने वीडियो अभी चलाया था, वो वीडियो अभी यहाँ पे चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है। आप यूट्यूब में देखना चाहेंगे, इसका यूआरएल देखना चाहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, जैसे आपने कैपिटल लेटर सर्च किया, तो यहाँ पे जो थंबनेल मैंने जो सेट किया था, वो थंबनेल आ रहा है, और उसका ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइव है, ठीक है। तो खैर, मैं अब इसका साउंड अगर बंद करना चाहूंगा, मैं साउंड इसका बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो साउंड की वजह से थोड़ा डबल डबल हो रहा है, तो मैं इसका जो मीडिया का साउंड था, वो मीडिया साउंड यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीडिया का जो साउंड है वो बंद कर दिया है, मतलब वीडियो का जो साउंड है वो मैंने बंद कर दिया है, बट वीडियो अभी ये चल रहा है, ठीक है, वीडियो अभी चल रहा है ये, तो आप देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ से देखें बिल्कुल वीडियो चल रहा है, तो इसमें साउंड नहीं है, वीडियो चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब में या फिर क्या नाम है अपना फेसबुक में या फिर कहीं भी आप लाइव होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अपना स्क्रीन को शेयर करके आप लाइव हो सकते हैं, या आपके जो टेक्स्ट है, आपके जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जा रहे हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको चाहते हैं कि आप लाइव लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि उसमें क्या इंटरेस्ट बढ़ता है, कभी तो कभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है कि आप किस तरीके से लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे किस तरह से अट्रैक्ट होता है, तो इसका थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है थोड़ा, क्योंकि आप जब लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, तो उसमें अंदाजा होता है, और उनके आइडियाज को, उनके चीजों को शेयर करने में थोड़ा अच्छा लगता है, और आइडियाज को लेने में भी अच्छा लगता है। तो आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, वो आचार अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट यूट्यूब में लाइव आके करूं, कोई जरूरी नहीं है, कोई इनकम की कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, अब बस एज यू ही करना चाहते हैं आप, तो आप इजिली कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने एक बंदा है कि इमोशनल कुरान के नाम से बंदे ने, उन्होंने कहा ये भेजा है कि सर आपका क्या नाम, इन्होंने मैसेज किया है, तो अभी मैं लाइव आया हूँ, लाइव आते इन्होंने के मैसेज किया है, तो खैर ये चीजें कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो मैं आज यही बता रहा था कि आप लाइव किस तरीके से आएंगे, जैसे अभी ये जो बंदा है कि ये आया, इसमें इन्होंने मुझसे पूछा, आई का कोई सवाल है तो ये मुझसे सवाल भी कर सकता है, या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सारी चीजें ए टू जेड यहाँ पे यूट्यूब में लाइव आके हम कर सकते हैं। और जब आप यूट्यूब में यहाँ पे जब लाइव का सेशन खत्म कर दे, जैसे अभी ये लाइव का सेशन अभी खत्म हो गया, तो वहां पे अभी यहाँ पे देख रहे होगा आपको यहाँ पे कितने लोगों ने देख रहा है, अभी एक लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर करोड़ों लोग देखना चाहे देख सकते हैं, और एनी टाइम देखना चाहे देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे आपको जैसे ही करना है कि ये रिमूव कर देना है, या फिर इसको हटा देना है, वीडियो को हटाना है, या फिर लाइव को आपको बंद करना है, तो आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, मैंने अभी स्क्रीन भी शेयर कर रखा है, इस वजह से मेरा अभी स्क्रीन यहाँ पे दिखने लगा है, ठीक। तो आप जो भी चीज स्क्रीन में कर रहे हैं, वो चीज आपको वीडियो में वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी चीज आप स्क्रीन में कर रहे हैं तो वो चीज दिखना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी जो भी चीज चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप इजिली आप इसमें कर सकते हैं।
अगर आपको इसका पूरा प्रोफेशनल आपको वीडियो चाहिए जो पूरा कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो मैं आपको पूरा एक तरीके से बता दूंगा। ये इस पे सारी चीजें मोस्टली आ ही गई हैं, आप सारी चीज इसमें कर सकते हैं, जैसे जो जो चीज़ मैंने इसको बताया है सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप एक मतलब खुद से कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे जब आप खुद से दो तीन बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा जो आप किस तरीके से इसमें लाइव आ सकते हैं। सेम यही मेथड अगर आप चाहेंगे कि यूट्यूब से नहीं कहा बल्कि आप फेसबुक में लाइव करें, क्योंकि आज के डेट में फेसबुक बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, और फेसबुक में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी है, वहां पर लाइव आना चाहते हैं तो आप वहां पर भी लाइव आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एट ए टाइम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप सब जगह पे लाइव आए, इंस्टाग्राम सब जगह पे लाइव आए, तो अभी आप लाइव हर जगह पे एट ए टाइम आ सकते हैं। बट ये चीज आप अभी मत जाइए, अभी आपने जितना चीज सीखा है आज उसी चीज को आप पहले खुद से प्रैक्टिकल कर लीजिए। ओबीएस सॉफ्टवेयर आप अगर डाउनलोड कर लीजिए, ओबीएस स्टूडियो आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से ओबीएस का नाम से ओबीएस सॉफ्टवेयर या स्टूडियो, आप यहाँ से ओबीएस के नाम से आप डालेंगे सर्च करेंगे। खैर मैं वीडियो के नीचे भी आपको इसका लिंक दे दूंगा, ये आगे ओबीएस, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको जो भी चीज चाहिए, अगर आप मोबाइल से लाइव आना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी लाइव आ सकते हैं यूट्यूब में, उसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन वो अगर आप मोबाइल से आएंगे तो उसका अभी टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है इस टाइम, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि कुछ सब्सक्राइबर ज्यादा होनी चाहिए होनी चाहिए। बट अगर आप यूट्यूब में लाइव आना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेस्कटॉप से बिल्कुल लाइव आ सकते हैं विदाउट कोई टर्म एंड कंडीशन के, इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी अक्सर चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमें, कोई सवाल, कोई आप लोगों का कंफ्यूजन या कोई चीजें आपके पास है तो आप मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। है आप में से कोई पास कुछ है क्या? अर्शद भाई आप कोई पूछना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, अब हम जैसे अब YouTube लाइव को अगर हम रोकना है तो बिल्कुल इजीली आप यहाँ से स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ से देखेंगे अभी ये लाइव दिख रहा है, ये लाइव अभी ये ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो गया, ठीक। और इस वीडियो को आप पब्लिक करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उस पर, तो आप अपने चैनल पे जाइए और चैनल स्टूडियो पे जाइए, चैनल स्टूडियो पे जाने के बाद आपको वहाँ पे लाइव का सेशन मिल जाएगा और एक वीडियो का सेशन मिलेगा, ठीक है। अभी एक थोड़ा टाइम लेगा, ये तो मेरा अभी पुराना वो स्टूडियो ओपन हो गया, जो नया स्टूडियो है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। किधर गया ये लाइव, ये है लाइव स्ट्रीम, तो इसमें असल में पुराने वाले पे अलग से दिखा दिया इन्होंने, ये है लाइव कंट्रोल और इवेंट, असल में इसका जो दो वो है ना स्टूडियो जो दो हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से हो गया है। सर कोई नहीं, मैं दोबारा इसका आ जाता हूँ, नए वाले स्टूडियो का आ जाता हूँ, ये आ गया यूट्यूब, ये है यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इस वीडियो को अगर हमें वो एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, वो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइव का ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ये अब लास्ट टाइम ये वाला आया है लाइव, ठीक है, आप इसको यहाँ से एडिट कीजिए। मैंने अभी 10 मिनट लाइव था, तो यहाँ पे जैसे एडिट करेंगे जो भी चीज़ इसमें एडिट करना चाहिए एडिट कर सकते हैं, थंब चेंज करना थंब चेंज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में डालना प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं, उसके बाद इसको आप पब्लिश कर दीजिए, टैग वगैरह भी इसमें आप डाल सकते हैं, लाइव के टाइम में टैग नहीं होता तो आप बाद में भी टैग वगैरह डाल सकते हैं, उसके बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बट मेरे केस में मैं अगर इसको चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इजीली, कोई इशू नहीं है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा है कौन क्या नहीं है। तो मैं इससे पहले बहुत मतलब लाइव आया था इस चैनल पे, लाइव आया था, मैंने इसको डिलीट कर दिया
रखा है, तो लाइव आने के बाद उसमें अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा फेसबुक में अगर आपको, यूट्यूब में अगर आपको करियर बनानी हो तो लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यूट्यूब में वॉच टाइम अगर आपको बढ़ाना हो तो यूट्यूब में लाइव का जो सेशन है ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त और इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, आज जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि ये यूट्यूब का ये सबसे लास्ट वो है, अभी मेरे केस में कहीं पे कोई वीडियो चल रहा है, अभी यहाँ पे ये वीडियो चल रहा था, फिर कोई नहीं। तो जैसे अभी मैं बात है कि ये यूट्यूब का एक लास्ट कोर्स था, इस कोर्स में हम ये और जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो है अगर किसी वीडियो का मार्केटिंग करना चाहते हैं इंडिविजुअल अपने चैनल के अलावा भी, फेसबुक ट्विटर के अलावा भी, तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए तरीका है कि जैसे ये वाली वीडियो है जो लास्ट टाइम मैंने इसको अपलोड किया था, तो इसका तरीका यूँ है कि आप उस वीडियो के नीचे कहीं पे भी जाएंगे। अब जैसे ये वीडियो का लिंक मैं कॉपी कर लिया और इस वीडियो का नाम क्या है कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा चैनल अभी ऑन है, इसको चैनल ऑन रहने देता हूँ और मैं यूट्यूब में चलता हूँ और यूट्यूब में जाके मैं देखता हूँ जो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड काम किया है, मतलब वीडियो बनाया है, जैसे स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है, इससे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और व्यूज भी बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने ये सर्च किया कि स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, मैंने तीन कीवर्ड ही सर्च किया है और इसी तीन कीवर्ड पे मेरा जो यूट्यूब की जो वीडियो है वो टॉप पे आ रहा है। रीजन क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो थोड़ा सा अच्छा है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैंने थंब यूज किया है वो थंब बहुत इफेक्टिव है, कि जो मैं बता रहा हूँ बिजनेस का, जो बता रहा हूँ तो बिजनेस का मैंने एक आइकन यूज किया है और साथ ही साथ उसका नाम भी मैंने लिख दिया, इसलिए इस तरह का बहुत जल्दी आ गया। और इसका SEO का भी मैंने काम किया था, आप अगर देखेंगे तो मेरे वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहा है वो 13 घंटे की है ओनली, और जो दूसरे की वीडियोज है वो वीडियो जो है आप 2 साल का देख सकते हैं, 2 साल पहले इन्होंने किया है, 1 साल पहले किया है, तो इस तरह के वीडियो ये आ चुका ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप चाह रहे कि क्या करें मार्केटिंग करने के लिए, आप जो सिमिलर वीडियो है उस सिमिलर वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को आप वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद आप क्या करें, उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप उस वीडियो का जो भी निचोड़ होता है आप थोड़ा बहुत भी वॉच कीजिए, निचोड़ होता है, और उसके बाद आप अपना यहाँ पे कमेंट छोड़ दीजिए कि थैंक्स ये वीडियो बहुत अच्छा है, ये समझने में बड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता, इस तरह का आप लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, थैंक्स दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो गाइज, मोर इन्फो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं नए वीडियो पे। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरे चैनल का जो वीडियोस है तो इस तरह का भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप अपने वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप अपने वीडियो को डालें, बट आप अगर किसी के वीडियोस को देख के कमेंट्स करते हैं ना तो उससे भी इफेक्ट होता है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपके चैनल का नाम जो है लोगों के पास पहुंच जाता है, लोग अगर देखते हैं कि हाँ बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, जरा देखें वो क्या है, क्या करता है, तो जैसे वो इस पे क्लिक करेगा, अपने नाम पे क्लिक करेगा, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उस पे, जैसे वो बंदा इस पे क्लिक करेगा तो आपके चैनल पे वो बंदा आ जाएगा। तो जब चैनल पे बंदा आएगा तो फिर आपके यहाँ पे देखेगा, चैनल पे जाके देखेगा, यहाँ आप अच्छा कंटेंट बनाए तो हो सकता है कि आपको भी वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये कमेंट्स करने का एक सेशन होता है, तो आप जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे आप वहाँ पे जाइए, कमेंट्स कीजिए, अगर हो सकता है तो लिंक भी डालिए, और नहीं अगर लिंक डालना नहीं चाहते तो बिल्कुल ना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो लिंक डालेंगे तो उसमें अच्छा है और नहीं डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पर डे अगर इसी एक टॉपिक को आप 10 मरतबा 15 मरतबा वो 15-20 वीडियो में जो ट्रेंडिंग वीडियो है उस वीडियो में अगर आप डाल देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं, अपना कमेंट्स डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वीडियो की जो आपकी वीडियो है उससे भी रैंक अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस के लिंक जो है बहुत अच्छी जगह पे चले जाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो के यहाँ चला जाता है, फिर लोग आपको वहाँ से देखने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं, थैंक्स, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि थैंक्स दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर मी। ठीक है, उसके बाद का यहाँ पे आप अपना लिंक भी डालना चाहे लिंक डाल सकते हैं, इजीली कोई इश्यू नहीं है, लिंक डाल सकते हैं,
यहाँ पे ये है लिंक है, आप यहाँ पे लिंक डाल दीजिए और उसके बाद कमेंट कर दीजिए। तो आप अच्छे से अच्छे कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास अच्छे कमेंट्स नहीं है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट्स किए हुए हैं, तो उन कमेंट्स को लेकर भी आप अपने थोड़े हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करके आप वो चीज़ों के यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे कैसे मैंने इसमें दो मरतबा कमेंट्स किए, जैसे ये है अभी मैंने ये जस्ट किया है और इससे पहले भी मैंने किया था कमेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए थैंक्स दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर मी। तो ये टाइम ये भी कह यहाँ पे भी एक इससे पहले कमेंट्स आया था, ठीक है। तो उसके बाद कोई अगर चाहे तो रिप्लाई कर सकता है, लाइक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपके कमेंट्स जो है अच्छे होते हैं तो लोग लाइक्स वगैरह भी करते हैं। लाइक्स क्या होता है, बस इससे इंसान को जो है वो एक मोटिव होने के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है इस लाइक और डिसलाइक से, ठीक है। बस इंसान को एक मोटिवेट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो कब डाला गया था, 31 मार्च को डाला गया है, 31 मार्च 2020 में डाला गया है। इसके व्यूज अभी लगभग जो है 11,000 के आसपास व्यूज आया हुआ है। तो ये रीजन क्या है कि किस लिए आया है, क्योंकि ये रैंक कर गया था, ऑलरेडी रैंक कर गया है। इनके आप वीडियोज का अगर देखना चाहेंगे तो क्या क्या इन्होंने किया इस वीडियो में तो आप वो देख सकते हैं। इन्होंने ये रखा है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस इन 2019, ये इन्होंने इस तरह किया है। बट ये मैंने ये कीवर्ड मैंने नहीं डाला, अपने अपने वीडियो में नहीं डाला है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि मेरे वीडियो टॉप पे आ रहा है, जो मैंने इससे पहले किया था स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन वन डे, जो मैंने लेक्चर दिया था, तो वो भी चीजें टॉप पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है बल्कि, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप करेंगे तो आप वीडियो में अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने सुनने से ज्यादा आपको, मतलब मैं जो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ देखने और सुनने से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीजें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप कितने भी वीडियो डाल लीजिए, जैसे आप मैं एक बता रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो जो करने में एक दूसरा चैनल था, इस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चैनल कभी ग्रोथ ही नहीं कर रहा था, ये तकरीबन 2-3 साल का हो गया था चैनल पे, इस्लामिक कंटेंट है इस पे, तो ये चैनल ग्रोथ ही नहीं कर रहा था। जब हमने इसका थोड़ी सी मार्केटिंग करी, वीडियो की मार्केटिंग, यूट्यूब की मार्केटिंग करी, तो फिर ये चैनल ग्रोथ होना शुरू हो गया। देख सकते हैं अब ये 2017 में स्टार्ट किया गया था, अप्रैल 2017 में, तकरीबन इसके जो स्टार्ट किए 3-4 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो व्यूज है, सब्सक्राइबर बहुत कम है। और रीजन क्या था कि हमने कभी इसमें मार्केटिंग की ही नहीं है, इस पे हम सिर्फ वीडियो डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे। आप वीडियो डालने की बात कर लें तो इस पे वीडियो जो है 430 वीडियो है, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पे सिर्फ 2-3 वीडियो 3-3 वीडियो डाल के मिलियन मिलियन कर लिए हैं ट्रैफिक। कैसे, मैं से एक जैसे एक दिखाता हूँ, कॉमेडी का, कॉमेडी जो एक है, ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, कॉमेडी है, देहाती कॉमेडी टाइप का है, ये मैक जोक ऑफ, ये जब इन्होंने लॉन्च किया था पहली वीडियो, तभी इन्होंने पहली वीडियो में 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया था। रीजन क्या था कि ये वीडियो बहुत अच्छा बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और मजेदार चीजें हैं। आप देख सकते हैं इसकी कोई भी वीडियो ना 10 मिलियन से नीचे है ही नहीं व्यूज। ये देखिए इन्होंने 2 साल पहले डाला था, इतनी वीडियो इनके चैनल पे, ज्यादा नहीं है। आप काउंट करना चाहें आप काउंट भी कर सकते हैं टोटल वीडियो इसके कितने हैं, ये 29 वीडियो है, 2 साल में सिर्फ 29 वीडियो है और 29 वीडियो में इनके सब्सक्राइबर देख रहे हैं 8.5 मिलियन, ठीक है, 8.5 मिलियन बहुत ज्यादा है। ये कॉमेडी टाइप की चीज करता है तो क्या इनके व्यूज जो है बिलियन के आसपास है, 1.0 बिलियन व्यूज है। इसमें लास्ट 30 दिन के अंदर अंदर ये जो है 55.8 मिलियन व्यूज आए हुआ है सिर्फ एक वीडियो में, इन्होंने दिखाया सिर्फ एक वीडियो में। वो वीडियो कौन सी है, लास्ट वाले जो वीडियो कौन सी है, वो ये वाले वीडियो है, देखिए 15 मिलियन व्यूज आए हुए 1 हफ्ते पहले की, ये तीन महीने पहले इन्होंने किया 30 मिलियन आया हुआ है। तो ये सब बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, तो बच्चे को अगर फोकस करते हैं किसी चीज में, अच्छा इसमें जो बच्चे हैं नौजवान हैं वो हर तरह के लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं या देखना चाहते हैं, तो जो बच्चे जो टाइप जो सब चीजें होती है बिल्कुल देहाती टाइप की चीजें हैं ये, तो आप ये चीजें भी इस तरह के जो कंटेंट हो, कुछ यूनिक कंटेंट हो, आपके जहन में कुछ आइडिया है, यूनिक आइडिया है, अब उस यूनिक आइडिया को यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके चैनल पर आने के बाद आप एक चीज देखेंगे कि सारी चीजें विजुअलिटी है, विजुअलिटी का मतलब कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट है, कोई चीज इसमें धुंधलापन नहीं है, जो लोगों के सामने जाहिर ना हो, जो भी इन्होंने किया है वो दिखाया है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से किया है और अच्छे तरीके से किया है।
तो ये चीज़ है, कुछ ट्रिक्स हैं, आप इन चीज़ों को अपनाइए। और थंब जो है, थंब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वीडियो को रैंक करने के लिए। जैसे इनका थंब है, इन्होंने थंब अपने वीडियो में जो चीज़ें हैं वही चीज़ का यूज़ किया है, और थंब बहुत अच्छा यूज़ किया है। जब आप फेमस हो जाए तो फिर उसके बाद आप यूट्यूब में मार्केटिंग यूं ही आप कुछ भी डालें फिर चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर यूट्यूब मार्केटिंग के लिए लास्ट कोर्स था, तीसरा पार्ट था ये, इस कोर्स में का हमने मोस्टली सारी चीज़ें का कवर कर ली हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसको आप प्रैक्टिकल में देखिए, मैं जितना भी बता दूँ जितना भी कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स जो हमने वीडियो मार्केटिंग के नाम हमसे जान रहे थे वो भी आज हमने कम्प्लीट कर लिया है। इसके बाद का हम कुछ अर्निंग के बारे में सीखेंगे कि इतने दिन तक हमने सीखने के बारे में चलाया क्या किया, अब हम अर्निंग के बारे में सीखेंगे। अगर ई कॉमर्स मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे, अब अर्निंग किस तरीके से करेंगे वो चीज़ अगर थोड़ा बहुत सीखना है। जैसे ईमेल मार्केटिंग का भी हो गया था, ऑनलाइन एड डिस्प्ले का हो गया था, गूगल एनालिटिक्स का हो गया था, अरे एक मोबाइल मार्केटिंग का है। तो मोबाइल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो नेट ब्राउज हो रहे हैं ना, 70% से लेकर 80% तक मोबाइल से नेट ब्राउज हो रहे हैं, गूगल यूट्यूब ब्राउज हो रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, अगर आप ये देखना हो ये सब चीज़ें तो आप गूगल कर सकते हैं, मतलब गूगल करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे ई कॉमर्स मार्केटिंग की और कुछ एफिलिएट मार्केटिंग की। ई कॉमर्स मार्केटिंग अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे की तरफ मैं जोड़ता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का, क्योंकि ई कॉमर्स एफिलिएट जो हम उस तरह करेंगे जब हम एफिलिएट के बारे में थोड़ा सा जान जाए। ई कॉमर्स मार्केटिंग हम उस तरह से कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जान जाए। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये चार टॉपिक रह गया है मोस्टली, एक ई कॉमर्स की है और एक एफिलिएट की है और ये क्रिएटिंग इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी के बारे में इसका मैंने वीडियो बना चुका है ऑलरेडी, मैंने चैनल पर डाला है, बट फिर भी आपको एक लेक्चर आपको दूंगा। और जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों का है इन सब चीज़ों में वो है आपका कंटेंट मार्केटिंग का, कि आप कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, लिखेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है। ये पिछला बैच में हो चुका था लेकिन आपके बैच में नहीं हुआ। तो ये चार पांच टॉपिक है जो रह गया है। अच्छा, आप जॉब करना चाह रहे हैं तो जॉब किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट किस तरह से ले सकते हैं, फ्रीलांसर काम करना चाहो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अब तक हमने लर्निंग की बात करी थी, अब जो भी हमने बात की है सारे ये लर्निंग के प्रोसेस से था, बट अब हम आ रहे हैं लर्निंग के बाद अर्निंग के प्रोसेस में। इस हम प्रोसेस में सबसे पहला जो हम प्रोसेस देखेंगे वो एफिलिएट मार्केटिंग का, और एफिलिएट मार्केटिंग का कोशिश करूंगा कम से कम जो है उसमें मैं 5-6 वीडियो बनाऊं, मैं 5-6 पार्ट बनाऊंगा, और हर वीडियो जो है 20-25 मिनट के आसपास का होगा। उसमें हम इंटरनेशनल भी करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग और नेशनल भी करेंगे। तो कल जो हम बात करने वाले हैं वो नेशनल की बात करने वाले हैं, जो नेशनल जो कुछ शॉप्स हैं या इंडिया में हैं आप, या आप किसी भी खास कंट्री में है, उस कंट्री में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये पूरा A to Z मैं करके दिखाऊंगा और चीज़ें बताऊंगा आपको, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। तो ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, कल के लिए वेट करते हैं। अगर कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्लेरिफिकेशन हो, तो आप बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं। Calling all marketers. Discover a treasure trove of free guides and software to supercharge your digital marketing prowess. Click the links in the video description below to unlock expert resources for increasing conversions, maximizing ROI, and more. Click now and revolutionize your marketing strategy.